हेलो स्टूडेंट हमने पिछले लेसन में डिस्कस करा कर था एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग आज उसी से रिलेटेड हम उनके डिफरेंस डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला जो इनका बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है इनका मीनिंग जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है इट इज़ डेट फेज ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज़ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो पार्ट या वो फेस जो उस इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी को डिसाइड करता है जबकि मैनेजमेंट होगा इट इज़ डेट फेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइन ऑब्जेक्टिव इट मीन्स ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो फेस होता है जो कि मैनेज करता है किसको रिसोर्सेज को मैनेज करता है और अपनी एफर्ट्स लगाता है ग्रुप पे ताकि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके जो कि प्री डिटरमाइंड होता है और जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू अकम्पलिस कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव लोगों का वो समूह या ग्रुप जो एक साथ मिलकर वर्क करता है किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्ट क्या है वही जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करा था और मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन से उसे करवाया है दूसरा आता हाँ है हम इस पर पे ओनरशिप हम पे। मैनेजमेंट जो होता है वो सर्वेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या इंडस्ट्री कह लीजिए उसका मास्टर होता है जितनी भी कैपिटल होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्ट करता है रिस्क भी उसी का होता है और उसके अगेंस्ट में उसे प्रॉफिट या डिविडेंड अर्न होता है जबकि मैनेजमेंट जैसे सर्वेंट वर्क करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है उसके ऑर्डर को मानता है उसके अगेंस्ट में उसको रिम्यूरेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट का ही एक फ्रेमवर्क है जो उस जो मैनेजमेंट के अंडर वर्क करता है और उसको भी सैलरी और बोनस वगैरह मिलता है अब आते हैं पॉलिसी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉलिसी बनाता है मेक करता है मैनेजमेंट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है जबकि ऑर्गेनाइजेशन उसे एग्जीक्यूट करता है एक बार और रिपीट कर रहा हूँ सिंपल सा है एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉलिसी को मेक करता है मीन्स कैसे इंस्टीट्यूशन को रन करना है मैनेजमेंट उसे इम्प्लीमेंट करता है लागू करता है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है और ऑर्गेनाइजेशन उसे एग्जीक्यूट करता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है अगला डिफ्रेंस है इसके बीच में एबिलिटी किस तरीके की एबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले पर्सन को एक मैनेजमेंट में वर्क करने वाले पर्सन को और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले पर्सन को होनी चाहिए ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्क करते हैं वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होना चाहिए प्रशासन की आपकी काबिलियत होना चाहिए या क्षमता होना चाहिए जब भी आप अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे जबकि मैनेजमेंट में के लिए आपको टेक्निकल एबिलिटी होना चाहिए मीन्स आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की को कैसे मैनेज करना है या हैंडल करना है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल एबिलिटी होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक तरीके से मैनेजमेंट का ही असिस्टेंस करती है इसकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि किस तरीके का ये वर्क कर रहे हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग इनमें एबिलिटी होना चाहिए और आखिरी है इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट जो होता है वो लोअर लेवल पे उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका हाई लेवल पर इम्पॉर्टेंस होता है और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो वो तो मैनेजमेंट की एक मशीन होती है जो उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है जो कि उसे मैनेजमेंट कहता है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसके पांच डिफरेंस हैं जब आपको पी डी पी मिल डी पी मिलेगा तो वहाँ पर वहाँ पर ही आपको पूरे अवेलेबल हो गए अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो ट्वेल्थ का बिज़नेस स्टडी है जो पूरी बुक है उसमें से फिफ्टी परसेंट कह लीजिए वो मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है मैनेजमेंट से रिलेटेड ही सब चैप्टर से तो हम डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पांच फीचर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं पहला यूनिवर्सल प्रोसेस दूसरा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी तीसरा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन चौथा इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और पाँचवा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड पहले को डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट Are of universal applicable. They are not the monopoly of industry alone but can be applied in any field or area where group effort is needed. It may be a family, a club, a trade union, or a religious institution. Everywhere where group efforts are needed, management is applicable. So it is universal. It means कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ़ बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं जहाँ पर भी ग्रुप एक साथ मिलकर वर्क करेगा और किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहेगा उस हर जगह मैनेजमेंट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा इसलिए ये यूनिवर्सल प्रोसेस है वो चाहे घर हो सकता है कोई क्लब हो सकता है कोई ट्रेड यूनियन हो सकती है या कोई धार्मिक संस्था हो सकती है हर जगह मैनेजमेंट जो होगा उसके प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सिर्फ बिजनेस में अकेले एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है दूसरा आता है इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी इट मीन्स सिंस मैनेजमेंट इज इसेंशियल टू अंडरटेक एनी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट इन अचीविंग एनी डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इफ एनी पर्सन वर्क अलोन इट इज नॉट कॉल्ड मैनेजमेंट मीन्स जहाँ पर ग्रुप होगा वही मैनेजमेंट होगा वहीं पे मैनेजमेंट होगा किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को वर्क करने के लिए अगर कोई ग्रुप होगा तो मैनेजमेंट होगा अगर कोई सिंगल पर्सन किसी वर्क को परफॉर्म करेगा या अचीव करना चाहेगा तो वहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा वहाँ पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं होंगे थर्ड आता है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन मैनेजमेंट इज़ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक अदर प्रोफेशन हम जानते हैं कि प्रोफेशन जैसे टीचरशिप डॉक्टर, लॉयर या सीए, तो प्रोफेशन की जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सभी मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं क्या क्या कैरेक्टर होते हैं प्रोफेशन के इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इट रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट ये जितने भी तीनों मैंने आपको बताए हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर को फील्ड में जाने से पहले उसका स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए जब भी आप उस फील्ड में जा सकते जैसे डाक्टर टीचर लॉयर आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा फिर आपको ट्रेनिंग लेना होगी किसी इंस्टीट्यूशन से उसके बाद जब आप उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करेंगे तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा ये तीनों चीज़ें मैनेजर पे भी अप्लाई होती है मैनेजर को किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का वर्क करने से पहले किसी इंस्टीट्यूशन से स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लेना होगा फिर कहीं वो ट्रेनिंग लेगा और जब वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में वर्क करेगा तो बहुत से कोड ऑफ कंडक्ट जो होगे वो उसे फॉलो करना पड़ेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन ही होता है फिर आते हैं फोर्थ पे इट इज़ अ कंटीन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस गोज ऑन सो लॉन्ग एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज़ अलाइव सो मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार हमने ग्रुप को मैनेज कर लिया और बस हो गया काम नहीं ऐसा नहीं है जब तक वो इंस्टीट्यूशन अलाइव रहेगा चलता रहेगा हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी हम बार बार मैनेजमेंट को ग्रुप को डायरेक्ट करना पड़ेगा गाइड करना पड़ेगा जब तक ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हमने अचीव कर लिया उसके बाद मैनेजमेंट का वर्क हो गया नहीं जब तक इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट अचीव करना होगे ग्रुप को डायरेक्ट करना होगा लीड करना होगा इसलिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी इसलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और सबसे आखिरी है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, इट मीन्स मैनेजमेंट इट इज डील विथ अचीविंग समथिंग स्पेसिफिक विच इज़ ऑब्जेक्ट द सक्सेस ऑफ मैनेजर इट डिपेंड हाउ ही अचीव देयर ऑब्जेक्ट

एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गोल फिक्स करे उसे अचीव करना होता है अगर एक मैनेजर उस गोल को अचीव कर लेता है तो सक्सेसफुल है और अगर नहीं कर पाता है तो अनसक्सेस है तो हो आपको आज मैंने दो टॉपिक अभी डिस्कस करे एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस और दूसरा मैनेजमेंट के कैरेक्टर अगले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे थैंक यू